हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। गिट्स गुलाब जामुन आज मैं बनाने वाली हूँ। हाँ, गिट्स गुलाब जामुन बनाने में क्या है, इसकी रेसिपी तो पीछे ही लिखी रहती है। बात तो सही है, स्टिल किसी किसी के साथ मिस्टेक हो जाती है। मतलब किसी का अंदर से सॉफ्ट नहीं बनता या कुछ प्रॉब्लम आती है, या जिन्होंने कभी इसे ट्राई ही नहीं किया है तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने इसे करीब 50 टाइम से ज़्यादा मैं बना चुकी हूँ। हाँ, मैं 50 बार से ज़्यादा ही बना चुकी हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, हम सबको पसंद है ये, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम सॉफ्ट बनता है। तो बस जैसे जैसे मैं बनाती हूँ आपको वैसा ही बनाना है। वैसे तो आप अगर न्यू हो फिर भी इसमें रेसिपी लिखी रहती है, अभी आपको अपोजिट दिख रही है क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करते जाओगे तो एकदम सही गुलाब जामुन बनेगी। मैं एक बार आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ। तो चलिए बनाते आज हम गिट्स गुलाब जामुन। ये मेरे पास 40 पीस वाला गुलाब जामुन का पैकेट है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है 2 कप चीनी, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 कप पानी। अब मैं गैस को कर लेती हूँ ऑन, ऐसे 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 बीच में कभी कभी हम चला देंगे। तो ध्यान रखना है 2 कप चीनी में 2.5 कप पानी। चीनी आप कम मत लेना, क्योंकि अगर चाशनी हमारी बच भी जाती है तो हम फिर से उसका यूज कर सकते हैं हलवा बनाकर, या फिर मालपुए के लिए, या कुछ भी। अगर चाशनी कम हो जाएगी तो फिर गुलाब जामुन के अंदर फिर गुलाब जामुन के लिए कम पड़ जाएगी, एंड गुलाब जामुन अंदर से फिर हार्ड रह जाएगा। तो चीनी आप जितना पैकेट में लिखा रहे पॉकेट में आप उसी हिसाब से लेना। तो 600 ग्राम लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है। आप नॉर्मल जो चाय पीने, अगर मेजरिंग कप नहीं है तो नॉर्मल जो चाय पीने वाला कप होता है हमारा, उस कप से आप 2 कप ले लो, एंड 2.5 से 3 कप पानी आप डाल सकते हो। ये हमारा गुलाब जामुन मिक्स है, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। ध्यान यही रखना है कि ज़्यादा पानी हमें एक ही बार में नहीं देना है, क्योंकि ये बस थोड़ा सा पानी से अच्छे से गूंदा जाता है। तो बस थोड़ा थोड़ा, हमारा सॉफ्ट ही होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ज़्यादा गीला आपको लग रहा हो कि मतलब ज़्यादा पानी हो दे दिया हमने, गीला हो गया, तो आप उसे 2 मिनट के लिए बस वैसे ही छोड़ दो, ये पानी भी अब्जॉर्ब करता है। तो ये डो सॉफ्ट रहेगा तो हमारी गोलियाँ अच्छी बनेगी, मतलब उसमें दरारें नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अगर दरारें पड़ने लगती हैं तो फिर वो गुलाब जामुन फटने लगता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखो, हार्ड नहीं बनाना है हमें डो, सॉफ्ट ही रहेगा। ये थोड़ा स्टिकी होता है, ये आप देख सकते हो, एक भी दरारे नहीं है, बिल्कुल नहीं फट रहा है। तो ऐसे ही गोलियां हमें सारी बना लेनी है। ये चाशनी हमारी हो रही है, बीच बीच में हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें 2 इलायची देने वाली हूँ। इलायची से क्या होगा, गुलाब का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा गुलाब जामुन में, और टेस्टी लगेगा। अब मैं इसमें 2 इलायची ऐड कर रही हूँ। इलायची को मैंने अच्छे से कूट लिया था। इलायची देने से गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहो तो डो में ऐड कर सकते हो इलायची, मैं चाशनी में ही डालती हूँ, चाशनी में आप भी डालो तो बहुत अच्छा आएगा। अब बस इसे उबलना है, फिर हमारा चाशनी रेडी। आइए तब तक हम गोलियां बना लेते हैं गुलाब जामुन की। चाशनी हमारा उबलने लग गया है, अब इसे हम बस 1 मिनट तक उबलने देंगे। इसे हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस सिंपल हम 1 मिनट तक उबालेंगे एंड फिर गैस को बंद कर देंगे। चाशनी को बॉयल हुए 1 मिनट हो गया है, अब हम गैस को कर देंगे बंद। चाशनी हमारा हो गया है तैयार। तेल हमारा हो चुका है गर्म, अब मैं इसमें गुलाब जामुन डाल देती हूँ।
एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इसे हमें लो फ्लेम पे ही कुक करना है, नो मीडियम नो हाई, बस लो पे जितना टाइम लगे बट हमें इसे लो पे ही कुक करना है। ये हमारा गुलाब जामुन हो चुका है, हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख लो कितनी अच्छी कलर आई है। डायरेक्ट इसे हमें चाशनी में नहीं डालना है, 1 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। अब मैं इसमें अपने गुलाब जामुन डाल देती हूँ। ध्यान रहे, जब आप गुलाब जामुन डाल रहे हो तो चाशनी हमारा गर्म ही रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। चाशनी ठंडा होगा तो फिर गुलाब जामुन के अंदर अच्छे से नहीं जाएगा। अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसी तरह से सारे गुलाब जामुन को हम चाशनी में डाल देंगे। ये मेरा गुलाब जामुन रेडी हो चुका है। मैंने सब गुलाब जामुन को चाशनी में डालकर मैंने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था, ताकि गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब कर ले। और ये रेडी है, चलिए इसे देखते हैं कैसा बना है। और ये हमारा गुलाब जामुन रेडी है, अब मैं इसे दिखाती हूँ। ये मेरा 30 के अराउंड तैयार हुआ है, 40 पीस वाला था। वो साइज़ के हिसाब से ये क्वांटिटी थोड़ा डिफर करता है। ये आप देख सकते हो कितना जूसी दिख रहा है ना। तो आप भी बनाए खाए, है ना, बहुत इजी बनाना, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और आप भी बनाए। एंड फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।